के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 17 ओबीसी जातियां हुई एससी में शामिल। निषाद पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति की मंडलायुक्त ने की समीक्षा, कहा बरसात पूर्व कर लें जल भराव से निपटने की तैयारी। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं, ऑन स्पॉट जांच के लिए फूड सेफ्टी वैन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उपभोक्ता या दुकानदार अपने प्रोडक्ट की जांच करा सकते हैं निशुल्क। मंडलायुक्त ने किया नमामि गंगे परियोजना तथा राप्ती तट पर बन रहे स्नान स्थल एवं शवदाह स्थल का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रभारी जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल के सदस्यों ने किया मंडली कारागार का रूटीन चेकिंग। डीएम ने कहा नहीं मिली कोई खामियां, जेल में बन रहे हैं 4 नए बैरक। बच्चों के साथ बंद महिला कैदियों की रिहाई के लिए की जा रही है कोशिश। ओबीसी की 17 जातियों के साथ निषाद जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने सीएम और पीएम को दिया धन्यवाद। पर्यटन विभाग द्वारा होगा बर्ड घाट रामलीला स्थल का सौंदर्यीकरण, डीएम की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक, दिए कार्य शुरू करने के निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की मंडली समीक्षा बैठक, गीडा में चल रहे निर्माण कार्य को 30 जुलाई तक पूरा करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कन्या सुमंगला योजना की बैठक, डीएम ने कहा बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में लाभदायक साबित होगी यह योजना, उठाएं लाभ। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई बांसगांव टाउन एरिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। बीजेपी ने संगठन पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यालय पर की बैठक, पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी, बनी रणनीति। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संचारी रोग नियंत्रण अभियान की 100% सफलता के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक, अभियान की सफलता के दिए निर्देश। नगर निगम के कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे पार्षद, महापौर व नगर आयुक्त से वार्डों में विकास कार्यों के लिए धनराशि अवमुक्त करने की मांग। जिला मुख्यालय कोर्ट से एसडीएमओ को हटाने पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, कहा 1 जुलाई से न्यायिक कार्यों से विरत रहते हुए करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। और सामाजिक परिवर्तन मंच के तत्वाधान में आयोजित बहुजन राजनीति के दिशा एवं दशा पर की गई चर्चा, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सामाजिक परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय संयोजक दद्दू प्रसाद रहे मौजूद।